हाय एंड नमस्ते टू एवरीवन। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। सो फाइनली हमने बड़े मियां छोटे मियां देख लिए है और ये है हमारा ऑनेस्ट रिव्यू। तो चलिए सीधे सीधे पूछते हैं, क्या आपको बड़े मियां छोटे मियां देखनी चाहिए? डायरेक्ट आंसर है नहीं। अगर आप पूछेंगे क्यों, क्योंकि अगर आपके पास लाइफ के 3 घंटे आई वुड से दैट टाइम पास करने के लिए सिर्फ आपको मूवी देखना है, तो भी आई वुडंट सजेस्ट वॉचिंग द मूवी, बिकॉज इट्स अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। और भाई 350 करोड़ फूक दिए ये मूवी ने। पर अगर किसी को 350 करोड़ फूकने ही है तो भाई हम क्या ही बोल सकते हैं। द स्टोरी वॉज इन दैट गुड। आई काइंड ऑफ फील के स्टोरी को काइंड ऑफ थोड़ा रियलिस्टिक होना चाहिए था। तो कहानी बेसिकली इस बेसिस पे है, पृथ्वीराज इज द विलन ऑफ द मूवी बिकॉज उनका एक क्लोन का आइडिया इंडियन मिलिट्री एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अब जिस काम में उन्होंने 15-20 साल लगा दिए, सो ऑब्वियसली विलन को इस बात का गुस्सा आ जाता है कि उन्होंने मेरे ये आइडिया को ना कैसे कर दिया, और वो सेम आइडिया दुश्मनों को देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और वहीं पे हमारे आ जाते हैं बड़े मियां छोटे मियां विलन को रोकने के लिए। तो अगर आप पृथ्वीराज जैसे एक उमदा एक्टर के लिए ये मूवी देखने जा रहे हैं, सो आई एम सॉरी, आप थोड़े निराश होंगे बिकॉज ही वॉज कम्प्लीटली अंडर यूटिलाइज्ड। बड़े मियाँ छोटे मियाँ एक पुरानी पिक्चर भी रह चुकी है जिसमें अमिताभ बच्चन एंड गोविंदा, और उन दोनों की जुगलबंदी अगर आप देखें एज कम्पेयर टू टाइगर श्रॉफ एंड अक्षय कुमार, यू विल बी लाफिंग। जब अक्षय कुमार एंड टाइगर श्रॉफ बोथ एक्शन पैक हीरोज एक साथ आएंगे, तो आप ये सोचेंगे कि यार उनकी जुगलबंदी भी बहुत अच्छी होगी, देयर इज गोना बी लॉट ऑफ जोक्स, बट ऐसे कुछ भी आपको देखने नहीं मिलेगा। दे काइंड ऑफ डिड नॉट इवन कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। तो मुझे ये फीलिंग आई कि अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ अपनी एक इंडिविजुअल मूवीज कर रहे हैं, दो हम एज एन ऑडियंस दोनों को साथ देख रहे हैं। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की वो एक केमिस्ट्री नहीं थी जैसे वो एक पुरानी मूवी में थी अमिताभ बच्चन और गोविंदा की। दुश्मन पीछे गाड़ियों में आ रहे हैं और ये भाई दोनों घोड़े में भाग रहे हैं एंड एक गोली नहीं लग रही है। कैन यू इमेजिन एज एन ऑडियंस? सीरियसली मुझे ये गुस्सा भी आया कि यार एक भी बंदूक चलाने वाले जिनका एम नहीं है, कि किसी की भी गोली नहीं लग रही है और दोनों घोड़े पे जा तो रहे हैं एंड दे बोथ आर मेकिंग फन। इमेजिन जोक्स भी ऐसे जिसमें हंसी भी नहीं आ रही। सो आप एक स्पेशल फोर्सेस से हैं, हैविंग अ मिलिट्री बैकग्राउंड, सो सच चीप डायलॉग्स डिड नॉट फिट वेल टू बोथ ऑफ देम। आई एम सॉरी बट आई कुडंट इवन इमेजिन कि कोई एक मिलिट्री बैकग्राउंड से होके इस तरीके से बिहेव कर सकते हैं। एंड स्पेशली जिस हिसाब से मूवीज अक्षय कुमार ने की है देशभक्ति के ऊपर से, आई कुड नॉट इमेजिन अक्षय कुमार डिलीवरिंग सच डायलॉग। एक सीन ऐसा भी आता है जहाँ पे अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ दोनों बंधे हुए हैं, वो भी मोटी चेन्स में और एक हट शेप जैसा पे उनको बांध के रखा हुआ है। सो इमेजिन वो आग लगी है, पूरा टूटता है, गिरता है, और दोनों हीरो बकायदा कम से कम, वो भी ऐसे नहीं कि चलो हटा के, खुद के बाहर आते हैं, खुद के बाहर आते हैं, 20-25 लोग सामने होते हैं, और उसके बाद अक्षय कुमार एक लकड़ी उठाते हैं आग वाली उन्हें मारने के लिए, और टाइगर श्रॉफ भी उठाते हैं गन उन्हें मारने के लिए, और 20 जन सिर्फ खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। समवेयर डाउन द लाइन मुझे अक्षय कुमार से ऐसी मूवी एक्सपेक्टेड नहीं थी। रीजन जिस हिसाब से उन्होंने मूवीज पास्ट में की है, आई वॉज एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम अक्षय। फाइनली स्टोरी वॉज बैड, केमिस्ट्री वॉज बैड, जोक्स एंड डायलॉग्स वर बैड, और रहा सवाल विलन का भी, विलन को क्या लेवल पर रिप्रेजेंट किया जा सकता था और अच्छा टक्कर दिया जा सकता था। पर निराश मत होइए गाइस, आप बड़े मियां छोटे मियां का पार्ट 2 भी जरूर देखेंगे, क्योंकि उसमें एक सीक्वल के ऊपर से भी थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दे दिया है। सी आई बिलीव दैट बॉलीवुड में कुछ ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि ऑडियंस को कुछ भी दिखा दो देख लेंगी, बट दे डोंट अंडरस्टैंड दैट audience nowadays are much more matured. We all know that creativity की कोई सीमा नहीं है। अगर छोटे stars या unknown stars के साथ में भी movie बनाओगे और दिल को छू लेगी, so हम hit बना देंगे। इसके साथ I just wanna say that के बड़े मियाँ छोटे मियाँ आप अपने risk में देख सकते हैं। बोलना नहीं हमने बॉन्ड नहीं किया था। So that was the review for बड़े मियाँ छोटे मियाँ। अगर आप लोगों को हमारा ये रिव्यू पसंद आया होगा, so please like और subscribe जरूर कर देना। Till then I will see you in the next trailer. Cheers, bye.